हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास साइंस का 2 और 3 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर। और ये क्वेश्चन आंसर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंग है सारे। तो ये प्रैक्टिस पेपर है बेटा आपका। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में, जैसे कि आपको पता ही है, आपको 1 1 मार्क्स के 35 क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो नंबर 1 में वो 35 क्वेश्चन हमने डाले हैं। जेकर किसी ने वो 35 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे विज़िट करके वो आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज एसिमिलेशन? व्हाट इज एसिमिलेशन? आप अपनी रफ कॉपी साथ में रखो प्रैक्टिस के लिए, और उसका आंसर जल्दी से लिख सकते हैं आप, फिर बाद में चेक कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हैं अपनी देर। आंसर इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज और ट्रांसपोर्ट बाई डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू ब्लड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड एसिमिलेशंस। मतलब जेड़ा जो भी फूड असी खाते हैं उसको यूटिलाइज करना, और जो भी उसमें न्यूट्रेंट्स या कोई और कंपोनेंट रहते हैं उसको ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, भेजना, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस हो सके। प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है बेटा, डिफाइन द टर्म ब्रीथिंग रेट। सा दर, ब्रीथिंग होता है सा लेना, ये रेट है बेटा इसमें दर। सो आंसर इज, देख सकते हो आप आंसर, द नंबर ऑफ ब्रीथ वी टेक पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट। मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर असी जिन्ना सह लेंदे हैं या जिनी बार सह लेंदे हैं वो ब्रीथिंग रेट है। बेटा यहाँ मैंने क्वेश्चन डबल डबल लिख रखा है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और मैं आंसर को थोड़ा सा हाइड कर सकूँ, तो आपको क्वेश्चन एक ही बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लिखने बेटा अपने फ्लावर्स के, तो देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर स्टेमेन एंड पिस्टल। स्टेमेन एंड पिस्टल, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर इंक्लूड। जो स्टेमेन है इसमें बेटा क्या 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 होता है इसमें, एंथर एंड फिलामेंट। वेयर एज द पिस्टल इज द फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इंक्लूड स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंगोरा एंड कश्मीरी वूल? द आंसर इज द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड अंगोरा वूल। वेयर एज द वूल ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट एंड द फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज वेरी सॉफ्ट। द प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम इज नॉन एज शॉल एंड दिस शॉल इज नॉन एज पश्मीना शॉल। और क्या नाम है उनका शॉल्स का, पश्मीना शॉल्स। क्वेश्चन नंबर 40, नेम एनी टू कॉमन एसिड्स। सो कॉमन एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। इसमें बेटा कॉमन एसिड और भी बहुत हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको याद है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस,
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रही है बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू एंड सेकेंड इज ब्लेस न्यूट्रलाइज द एसिड, जिसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, अ मैन ऑन ए स्कूटर ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्कूटर। देखो बेटा क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, निकालना क्या हमने, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बेटा स्पीड का फार्मूला है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इज 50 मीटर एंड टाइम इज 10 सेकेंड। तो कट कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। आपने बेटा यूनिट जरूर लिखने हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड के यूनिट है। तो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने डिफरेंशिएट करना है। ए बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा आपको याद होगा कि हम ऐसे ग्राफ बनते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन मीटर एंड टाइम, दो चीज़ों को लेकर हम उसको कैलकुलेट करते थे। तो डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहा है और टाइम इंटरवल भी सेम है, इक्वल है। एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, अ बॉडी इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। उल्टा पुल्टा मतलब अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम भी हो सकता है, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। When a soft iron core is inserted into a solenoid, then such arrangement is called electromagnet. बेटा देखो ये solenoid क्या चीज़ है, ए इंसुलेटेड कॉपर वायर इज रैप इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल, इंसुलेटेड कॉपर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको बोलेंगे हम solenoid. But when a soft iron core is inserted in this solenoid and current is passed through this solenoid, then this arrangement is called electromagnet. It's called electromagnet. Jaise isme pass hoega, this behave like a magnet. क्वेश्चन नंबर 45, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, वन बैटरी वन बल्ब एंड वन स्विच इन क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन में तो चलते हैं, बैटरी नीचे बनाते हैं उसको, बैटरी वन स्विच एंड अ बल्ब
ये इस टाइम ओपन है बेटा, जिकर हम स्विच को यहाँ करेंगे दैट इज ए क्लोज पोजिशन। नाउ 3 मार्क्स क्वेश्चन, अगला पार्ट है हमारा 3-3 नंबर के क्वेश्चंस का, तो देखते हैं क्या आइए। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से कैसे ख़त्म हो रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस बाय द सर्टेन डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन द सॉइल और ऑल्सो बाय द डेथ ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज राइजोम प्लांट्स। आपको पता ही है बेटा जो राइजोम्स बैक्टीरिया है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स नरिशमेंट करता है, बट द डेथ ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जेकर वो प्लांट्स खेत में नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। द डिकिंग प्लांट टेंड्स टू स्लोली ब्रेक डाउन इनटू ए बेसिक सॉइल न्यूट्रिएंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो भी मतलब प्लांट टूट के जमीन में गिरेगा उसको सड़ने गलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। सो न्यूट्रिएंट्स जो है वो धरती सॉइल से ख़त्म हो रहे हैं, ये कारण है इसका। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो आर्टरीज हैं ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं मतलब बॉडी में भेजती हैं, जबकि जो वीन्स है इट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, जबकि वीन्स जो है वो हार्ट की तरफ को लेके आती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें, जबकि वीन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स विद मसल्स वेयर एज वीन्स हैव थिनर वॉल्स एंड यूज वॉल्व टू कीप आवर ब्लड फ्लोइंग, ताकि जो वीन्स है ये बनाए रखता है हमारे ब्लड के फ्लो को। नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर टेमरिंड, ये इमली या टेमरिंड आंवला, तो एसिड इन विनेगर इज एसिटिक एसिड, टेमरिंड इज टार्टरिक एसिड एंड एसिड इन आंवला इज एस्कॉर्बिक एसिड। मूव टू क्वेश्चन नंबर 49, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 216 किलोमीटर, इन हाउ मैनी आवर्स विल द ट्रेन रीच द डेस्टिनेशन इफ मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले जो बेटा इसमें काम है वो देखो, आप यहाँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिखा है किलोमीटर पर किलोमीटर, तो हम लोगों ने इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 200 डिस्टेंस को करेंगे, 200 किलोमीटर्स को हम मीटर में बदलेंगे, तो 216 इंटू 1000, 1 2 3, तो ये हो गया मीटर में, ये मीटर में ही है पहले से, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, अ ट्रेन रीच द डेस्टिनेशन बाई मूविंग इन हाउ मैनी आवर्स, मतलब टाइम कितना लगाएगी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की। अब देखो बेटा स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस कितना है, 216,000 मीटर, जबकि स्पीड है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर चला जाएगा, 10 से 10 चली जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास 10800, ठीक है जी, 10800 सेकेंड आ रहा है, लेकिन हमें टाइम चाहिए अब आवर्स में, जगह आवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60, दैट इज़ हमारे पास आंसर आएगा 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में ये 216 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर कर पाएगी। तो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 50, जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ये बेटा आपको होमवर्क रहेगा, इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। तो ये था बेटा आपका पूरा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है बेटा ये, इसको करके ज़रूर जाना, इसमें आपको रिविज़न में भी हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही,
नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।